गोल लगातनी समाचार चौगाई से बटुए खबर के हेडलाइन सुनी। चौगाई पीएचसी में कोरोना टीका लेवे खातिर लागे लागल बूढ़ लोग के लंबा लाइन। जदयू के प्रदेश महासचिव लेनी कोरोना के टीका। प्रदेश महासचिव कहनी भारत के बनल टीका पूरा विश्व में प्रचलित बटुए। खबर का बा विस्तार से सुनी। चौगाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिन कोरोना के टीका लेवे खातिर बुजुर्ग लोग के लंबा लंबा लाइन देखे के मिल रहल बा। एकरा खातिर बुजुर्ग पहले ही से अपन आधार कार्ड लेके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच रहल बाड़न। एकर जानकारी देत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी मितेंद्र कुमार बतैनी कि एकरा खातिर जिला स्वास्थ्य समिति के आदेशानुसार 60 साल के उम्र के बुजुर्ग लोग के टीकाकरण के प्रक्रिया शुरू कर दिहल गइल बा। लंबा लाइन के पीछे यह कारण बा कि गांव वाला परिवेश में रहे वाला लोग के आशा के द्वारा एएनएम के द्वारा जागरूक कइल जाता है। जागरूकता के ही बदौलत बुजुर्ग लोग इतना संख्या में कोरोना के टीका लेवे आ रहल बड़न। बता दें कि कोरोना टीकाकरण खातिर चौगाई प्रखंड के जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा 5000 बुजुर्ग लोग के लक्ष्य दिहल बा, जौन में 5000 बुजुर्ग लोग के टीकाकरण कइल जाए। लक्ष्य 1 महीना के अंदर पूरा कर लेवे के बाद पीएचसी प्रभारी बतैनी कि सुख के दिने लगभग 300 लोग के टीकाकरण के टारगेट दिहल गई बा। वही जे पीएचसी पे पहुंचल जदयू के प्रदेश महासचिव सीताराम सिंह कहनी कि भारत के निर्मित कोविशील्ड कंपनी के कोरोना के टीका पूरा विश्व लोहा मान लेले बा। ए मौका पे जदयू के प्रदेश महासचिव सीताराम सिंह भी टीका लेनी, कहे से कि इनकर भी उम्र 60 साल के ऊपर हो गई बा, यहाँ के भी टीका ले ली। यहाँ के देश के प्रधानमंत्री के टीका निर्माण खातिर सारा श्रेय देत कहनी कि प्रधानमंत्री के ही बदौलत इतना कम समय में टीका उपलब्ध हो पाइल बा। वहाँ कहनी कि आवे वाला समय में ये टीका पूरा विश्व खातिर संजीवनी बूटी के काम करी। लेकिन एगो और हिदायत स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी मितेंद्र कुमार देनी कि अभी भी लोग के बचे के बटुए। ये टीका 28वां दिन दोबारा पड़ी, यानी पहला टीका पड़ला के 28 दिन के बाद दूसरा टीका देवे के बाद एक बाद पूर्णतः कोरोना के प्रभाव कम हो जाए। सुनी बयान। कोरोना का टीका रौरा के पड़ गई का समस्या कुछ बुझाइल है ना? कोनो बड़ समस्या नहीं है ना। कोरोना का टीका जो भारत में निर्मित टीका बढ़ू है तो बहुत अच्छा बढ़ू है। भारत में पूरे विदेश देश में पूरा हलचल मचा हुआ है टीका। केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में बहुत अच्छा ढंग से टीका पड़ रहा बा। आज हम टीका लेनी है कोरोना के 60 साल वाला में। हम आम जनता से अपील करते नहीं, सब लोग आवे अपन टीका ले, अपन जीवन के सुरक्षित करे। और कोरोना का टीका ही जो भारत में निर्मित बा बहुत ही अच्छा पड़ू। काहे लेट है नहीं है? लेट का लेट नहीं नहीं हम मैंने कुछ क्या बाहर चल के रहे नहीं हाँ गाँव में नहीं हाँ राजेंद्र भाई आई पर टीका ले खाती तो यही अनुरोध करब कि सब कोई टीका। हम सबसे अनुरोध करते नहीं ग्रामीण जनता से, जिलावासी से, प्रदेशवासी से। हम जदयू के महासचिव बने, वरिष्ठ नेता बने, हम सारे अब अपने टीम के साथ ही अपने गांव के नागरिक सब महिला हो या पुरुष हो सब यहां पर आए। अब टीका ली दिन यहाँ कोरोना का टीका कितने लोगों को दिया जा रहा है और कौन कौन लोग? इससे एवरेज तो 100 आदमी को दिया जा रहा है, लेकिन टारगेट मिलता है आज का हम लोग का 300 का टारगेट है। अच्छा, और ये टारगेट को कैसे आप लोग अचीव कर लेते हैं? आशा के सहयोग से, जनप्रतिनिधि के सहयोग से। अच्छा, एक और आदेश आया कि जनप्रतिनिधियों को भी टीका आज से दिया जाएगा। पता नहीं तो आपको कोई प्रतिनिधियों को बुला के सबको लाना है? नहीं, आज से आया है, आप भास्कर पढ़िएगा तो उसमें लिखा है तो दिया जाएगा। इसलिए दिया गया है, उसमें ये बात लिखा गया है कि अगर उनको टीका पड़ जाएगा तो मोटिवेट करेंगे और लोगों को, और इससे अधिक से अधिक संख्या बढ़ेगी। आदेश आ जाएगा तो हम लोग उसको चालू कर देंगे। तो सर 100 से अधिक यहाँ पर आज कितना टारगेट है सर? आज का 300 का टारगेट। अच्छा, कोई अभी आपने अभी तक लगभग लगभग कितने लोगों का यहाँ टीकाकरण हो चुका होगा? अभी तक 34 चौथा भाग खुल गया है। आज नहीं, पूरा
जब से चल रहा है? पूरा टोटल नहीं, लगभग अलग अलग होता है, 3,000-4,000 500 के आसपास, 60 से ऊपर वालों का हुआ, और स्वास्थ्य कर्मी का 300 लगभग, यानी 800 लगभग लोगों का पड़ा होगा, बुजुर्ग बुजुर्ग लेकर 60 साल से ऊपर वाले में। हम लोग का लक्ष्य 5,000 है पूरे ब्लॉक में, उसको 2 महीने पूरा कर लेना। अच्छा, तो सर अभी कोई ऐसा भी पेशेंट आया जिसको समस्या हो गई टीका लेने के बाद? ना, कोई समस्या नहीं है, सब लोग स्वस्थ हैं, कॉन्टेक्ट में हैं। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर मितेंद्र कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य केंद्र चंदा।